तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारे चैनल पर आज आपका स्वागत है। आज आपको दिखाया जाएगा ग्रोहे का बॉडी जेट किस प्रकार से लगाया जाता है। देरी न करते हुए चलते हम अपनी वीडियो पे। ये देख लो, ये बॉडी जेट है और आपको दिखाते हैं सारा काम इसका। सिंगल शावर भी है, वॉल माउंटर एंड वॉल एंगिंग से आपको करने। सबसे पहले तो वॉल एंगिंग का कंप्लीट किसका सर सॉरी बॉडी जेट का सबसे पहले कंप्लीट दिखाया जाएगा। इसके अंदर एक स्पाउट होता है, तो क्लाइंट ने हमारे से एक ताज़े पानी का और मांगा एक्स्ट्रा, क्योंकि इसके अंदर गरम और टैंकी का होता है, इस करके हमें ताज़ा दिया। तो गाइस हमारी कटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं आप। इसके अंदर दो नट लगे हुए हैं, इस नट को अभी खींचेंगे तो ये हमारा प्लग निकल के बाहर आ जाएगा। आगे आपको दिखाते हैं। भूल गए, इसका तो पानी भी बंद करना था यार। चलो मैं छत पे जाता हूँ। आपके ये क्या कर रखा है। चलो साइड में निकल जाते हैं। यहाँ सीलिंग का काम हो रहा था, इस करके इन्होंने पैड वगैरह बना रखी है। ये आ गया हम छत पे, छत से एक छत पे और थकावट हो गई। ये क्या है, कहाँ है हमारा टैंक। अच्छा ये हमारा टैंक लगा हुआ है। लो जी पहला पॉइंट वन, जाऊँ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रेशर पंप का लग रहा है बंद ही पड़ा है, बंद है प्रेशर पंप का। बहुत टाइट हो गए। ये कंप्लीट वन और ये गाइस प्रेशर पंप है। इसके बारे में आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा मैं किस प्रकार से लगता है और कैसे लगता है। और ये हमारा टैंक देख सकते हैं आप, एक टैंक इधर है, एक टैंक उधर है। ये सारी पाइपें हमने ओपन ही रख दी, अंडरग्राउंड नहीं करी। इसके पीछे कोई रीज़न है, अगली बारी बताएंगे आपको या थोड़ी देर में बता देते हैं। अभी इसे अंडरग्राउंड नहीं करते भाई, प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे रगड़ाई वालों को पानी चाहिए और मैंने दोनों तरफ का टैंक बंद कर दिया। कहाँ से लेगा फिर तू यार, कहाँ से लेगा पानी। क्या इसमें कर दे, क्या उसमें कर दे, देखना पड़ेगा। बोल क्या काफी टाइम हो गया, 2 साल हो गए कम से कम फिटिंग करे। भाई कौन से का गेट वाल छोड़ा हमने। अब नीचे जाके एक बारी बोर चलवाते हैं अंकल से, मनी राम जी से, फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको कटिंग करना है दीवार के साथ पूरा, ठीक है जी। इसके बाद जब बॉडी लगानी है इसको, ग्रीस लगाना है इसको यहाँ पे चारों तरफ, जहाँ जहाँ चारों तरफ जहाँ ये
वार्सल है, वार्सल के ऊपर थोड़ी ग्रीस लगाई गई है ताकि इसके अंदर आराम से फिट आ जाए। उसके बाद ये बॉडी को अंदर लगा दें, बिल्कुल लेवल में करते हैं, एकदम लेवल में। उसकी आवाज आएगी जब ये फिट हो जाएगी। इसका सेंटर देख लेना भाई, तीनों जो ये चीज आ रही है वाइट वाइट सीधी होनी चाहिए, तीनों सेंटर में होनी चाहिए। इसके बाद ये चार नट लगाने हैं, और ये सबसे पहले ये वाले चार नट लगाने हैं। और कहाँ लगाने हैं ये भी बताते हैं आपको, ये देख सकते हैं आप। किस तरीके से लगाने हैं ये भी बता देंगे। जो वो जगह दिख रही है वहाँ नहीं लगाना, साइड में गैप है उसमें सुधार हो, उसमें लगाने हैं। ये देखो कहाँ लगाए। अब इसको पेचकस से टाइट कर लेंगे, चारों को टाइट कर देना है प्रॉपर, चारों को प्रॉपर टाइट करना। देख सकते हैं आप प्रॉपर टाइट हो चुका है। ये चीज़ देखो और सेम चीज़ यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे करके अगर ये इसका लेवल एक जैसा होएगा तब जाके ये फिट होकर बैठेगा, अगर ये टेढ़ा होएगा तो फिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे ये सीधी है एकदम, इसके अंदर जगह दी होगी जो इसको साचा बोलते हैं हिंदी में, इसको करेंगे तो ये फिट हो जाएगा हमारा एकदम सीधा। देखो अब सीधा हो गया ना एकदम, और तीनों एक ही लेवल का है। अभी अगला काम करना है, इसके बाद ये जो लाइन है तीनों को बराबर कर लेना है साथ में। ये साथ पूरी लाइन में कर लेना, तीनों लाइनों को, तीनों लाइनों को बराबर करना। इसके बाद इसके अंदर एक कट बना हुआ है, ये जो कट है, और ये देख सकते हैं आप जो इसके अंदर कट है ये वाला, इनका जैसे इनका किया बिल्कुल जैसे, जो ये वाला कट है ये साइड में आपको दिख रहा है डंडी वाला, ये एकदम लेवल पे होना चाहिए। ऐसे कर लेना है और इसको भी घुमा के ऐसे कर लेना है बिल्कुल। उसके बाद इनको अगर बॉडी अंदर नहीं है बाहर या ठीक है अपना तो ये मत लगाना, अगर अंदर है बाहर है ज़्यादा अंदर बॉडी है तो ये लगा देने हैं। फिर ये बॉडी थोड़ी सी अंदर हो चुकी है इस करके हमारे को ये लगाना हो पड़ा, अगर बॉडी सही है तो बॉडी सही होती तो हमारे को इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तेज से पुश कर दें और ये टाइट से एकदम, जो वार्सल है ब्लैक कलर की, ये टाइट से एकदम चिपक जानी चाहिए। इसके बाद ये चार पेच हैं, अब ये ब्रास के पेच इसको लगाने हैं, इसको लगाने हैं। ये चार देखो चार साइड दे रखी है, पहले इसको हाथ से टाइट करना ताकि महसूस हो जाए ये इसके अंदर स्क्रू चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा।
उसके बाद इसको टाइट कर लो। उसको टाइट करना। ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के से टाइट करना है। इसको पूरा टाइट न करना, नहीं तो बीच में से ये दब जाएगा और साइड साइड में से बाहर रह जाएगा। इस करके इसको इतना टाइट करें जितने आपका हो सकता है। इसकी मीडियम बस, मीडियम से। नेक्स्ट ऑरेंज कलर के ये है जो कैप आएंगे, इसके कैप पे यहाँ पर लगाना है। ब्लेड लेना और इसको एक बार पुश करके देख लेंगे ऐसे, जैसे ये पुश कर रखा है ये अंदर है इन सब से, इसको एक पुश करके बाहर निकाल लेंगे तभी इसको काटना पड़ेगा। जैसे अभी तीनों बार हैं उसको काट लें, प्लग जो ये प्लग लगाया हुआ है ऑरेंज कलर का, इसके बराबर ऑरेंज कलर से इस प्लग से एक फायदा हमारा, ये तीनों एक लेवल पर कट जाते हैं। एक लेवल पर कटने में फिर तीनों ऐसे दिखते हैं, तो जैसे ये दिख रहे हैं ना, ये तीनों एक बराबर है। अभी कट चुका है और इसको उतार लें। उसके बाद इसको लगाना है, इसको सीधा करके लगाना है और ये इसकी चूड़ियाँ हैं, स्क्रू की तरह टाइट होता है। इसके साइड साइड में बुरादा लगा है, इसको साफ कर रहे, नहीं तो चूड़ी चढ़ती नहीं है इसकी। चढ़ चुकी है तीनों। इसके बाद पेचकस को ऐसे लेना है इस तरफ से, इसके अंदर देखो ये कट है, देख सकते हो आप कैसे कट है। ये कट के अंदर डालना है और इसको ऐसे घुमाना है, इसको घुमाना है राइट की तरफ, राइट की तरफ घुमाना है इसको। इसकी आवाज़ आएगी, आवाज़ आएगी, टंकी आवाज़ आएगी इसमें, आवाज़ आके थोड़ा सा बैक कर लेना पीछे, आवाज़ आके फिर इसके अंदर थोड़ा सा बैक कर लेना जैसे भाई ने किया। ये चीज़ है देख सकते हैं आप, इसको डाल देना ऐसे करके, ऐसे दबा देना। और उसके बाद फाइनल प्लेट देख सकते हैं, फाइनल प्लेट लगने जा रही है। और ये रबड़ी के ऊपर चारों तरफ से चढ़ जाना चाहिए, तो जब ये फुल टाइट होता है। इसके बाद ये चीज़ है, इसका ये कट है, ये चीज़ ऊपर रहनी चाहिए, देख सकते हैं आप। इसको भी ध्यान से देख के लगाना और ये लग चुका। और ये जो बटन है मतलब पुश करने का, ये ऊपर रहना चाहिए।
और ये चिट वगैरह ये 6 पॉइंट भी होते हैं, जैसे जैसे आपके पॉइंट होंगे वैसे वैसे आप लगा लो, दबा के लगेगा ये, देख सकते हैं आप कैसा लगा। ये हमारा लक्ष्य कंप्लीट हो चुका है, बस अब इसके सावर लगाने रह रहे हैं, ये आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे हम लगा के, धन्यवाद। और ये हमारे भाई हैं जिसने लगाया है, ये ग्रोहे कंपनी से ही है। क्या नाम है भाई आपका? शुभम। शुभम है भाई का नाम, धन्यवाद शुभम जी। लो भाइयों, ये हमारा लक्ष्य तैयार हो चुका है, बोली जाट देख सकते हैं आप। अभी सावर लगना पेंडिंग में रह गया, और यहाँ पे इसका एक स्पाउट आता है, एक हमने फ्रेश का पॉइंट छोड़ा तो फ्रेश की टूंटी लग रही थी, इस करके क्लाइंट कह रहे भाई स्पाउट सिंपल अच्छा नहीं लग रहा, दोनों टूंटियाँ लगा दो, इस करके हमने दोनों टूंटियाँ लगा दी, देख सकते हैं। बाद में मोटर भी लग चुका, और यहाँ पे सीट का काम होना भी बाकी है, शायद पानी ऑन है, चला के देखते हैं। पानी ऑफ कर रहा है लग रहा है, यहाँ से इसका स्पीड का करते हैं तेज या कम, इसको राउंड घुमाओगे तो स्पीड बढ़ेगी। इस टाइम पानी ऑफ कर रहा था हमने, इधर साइड में देखते हैं, इधर तो स्पीड इसकी कम करेंगे हम, कम करेंगे इसकी स्पीड, देखो कम होगी, फास्ट करेंगे किसी को घुमा के वापसी, देखो फास्ट होगी, देखो और इसको बंद करना है तो फिर इसी को दोबारा पुश कर दें। सावर लगेगा तो आपको अच्छी तरह दिखाएंगे हम। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।